G20 की समिट ब्राजील में, और उसमें दुनिया की 20 मेजर इकोनॉमीज क्योंकि उसका हिस्सा है और वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। G20 में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई है दो जायंट्स की जो एशिया में बैठे हैं, ये लड़ाई है एक दिए की तूफान के साथ। तूफान है चाइना का जो हमारे दिए को बुझाने की कोशिश कर रहा था। मोदी जी ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के इन्होंने एक्सपेंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बौखलाहट का निशान होना चाहिए क्योंकि CPEC को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है, वो किस तरीके से गिराया है इसमें आप अंदाजा लगा ले। देयर इज अ वेक अप कॉल एंड दैट वेक अप कॉल इज दैट इंडिया इज इमर्जिंग वेरी फास्ट, इंडिया इज अ लीडर। ये मैं नहीं कह रहा, दीज आर द स्टैटिस्टिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स की रियलिटीज हैं। अब बात करते हैं G20 समिट के बारे में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि 2017 का तसलसल रहता अगर उसी रफ्तार से मुल्क तरक्की करता तो पाकिस्तान G20 में शामिल हो चुका होता। नमस्कार दोस्तों, NFC न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं हाल ही में ब्राजील के रियो शहर में G20 सम्मेलन हुआ। इसमें सिर्फ G20 के सदस्य देशों ने हिस्सा नहीं लिया बल्कि कई अन्य देशों के प्रतिनिधि भी खास मेहमान के रूप में शामिल हुए। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का दबदबा साफ नजर आया। यह बड़े विश्व नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई और G20 के फाइनल ग्रुप फोटो हर जगह मोदी जी को प्रमुख स्थान पर देखा गया। इसी दौरान कुछ तस्वीरें में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अलग अलग और गंभीर मुद्रा में नजर आए। वहीं भारत ने अपनी शानदार कोशिशों से अफ्रीकी यूनियन को G20 का हिस्सा बनाने में बड़ी सफलता हासिल की। पहली बार अफ्रीकी यूनियन ने इस सम्मेलन में भाग लिया और यह भारत की एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है। G20 क्या G21 में शिफ्ट होने वाली है? जिस तरीके से अफ्रीका यूनियन की अगर बात करें, उनके जो हेड हैं, उनको प्रेसिडेंट जो उनके हेड हैं, उन्हें जिस तरीके से मोदी जी ने गले लगाया और बात की जा रही है शायद उन्हें G20 यानी अब G21 का मेंबर बनाया जाएगा, क्या कहते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? और खासतौर पर आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से चाइना का कंट्रोल था अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर, अब वो कंट्रोल को उस जो मार्केट को कैप्चर किया हुआ था चाइना ने, अब उस मार्केट को अपना इंडिया भी जो सा यूटिलाइज करेगा और सबको साथ लेके चलेगा। G20 को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या-क्या दुनिया के सामने प्रोग्राम रखे हैं। फाउंडेशन तो इन्होंने जाके जकार्ता में बना दी थी। इन्होंने कहा था कि हम कोविड के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले इन्होंने बात की है ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकाल दी है मोदी जी ने, वो इस तरीके से कि चाइना चाहता था ब्रिक्स को एक्सपेंड किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के इन्होंने एक्सपेंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बौखलाहट का निशान होना चाहिए क्योंकि CPEC को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है, वो किस तरीके से गिराया है? शिपिंग और ट्रेन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है कि यहां से दुबई तक उसके बाद ट्रेन में ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप में जाएंगी। ये जो CPEC या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि इस वक्त जो BRI जो इनिशिएटिव था चाइना का उसके बारे में क्या क्या एतराज लोग कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि ये एक डेट ट्रैप था स्मॉल कंट्रीज को उसमें फंसाने के लिए, और चाइनीज वाकई ही जब किसी को सूद देते हैं तो एक लंबा चौड़ा उसके रिटर्न में मांगते हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। कि आपके BRI की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, लोग उससे पहले ही जो है वो बेजार हो चुके हैं। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है कि इटली ने ऐलान कर दिया है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलना चाहते हैं। इस मौके के ऊपर जो भारत ने तोड़ निकाला है, जो इंडिया ने तोड़ निकाला है, जो सबसे ज्यादा 3 ममालिक हैं जिन्होंने शिपिंग और ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं, एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा UAE है और तीसरा इज़राइल है। अब मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि 3 मुल्कों का कंपैरिजन किस तरह किया जाएगा। ज्यादा मुल्क इसमें कई काफी हैं लेकिन ये 3 लीड कर रहे हैं। एक तो ऑयल रिच कंट्री है और जब से रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगा है दुनिया में 2 मुल्कों की इकॉनमी ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है, एक सऊदी अरेबिया है
और दूसरा कुवैत है। इस वक्त आगे भी वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है कि सऊदी इकॉनमी 8.7% पे जाके आगे ग्रो करेगी। तीसरा मुल्क इजराइल है। उस मुल्क की इंडिविजुअल उसकी खूबसूरती क्या है? इजराइल आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टेक के स्टार्टअप होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका उनके साथ है, बाइडन उनके साथ है। टेक्नोलॉजी और पैसा जब साथ आता है और उसके बाद इंडिया का यूथ जब आएगा सामने, साथ आएगा, जब वो साथ लगेगा, मेरे ख्याल में चाइना इसका तोड़ नहीं निकाल सकेगा। मैं समझता हूं जो नया अलायंस सामने आ रहा है चॉइस ऑफ G20 के हवाले से, इस समिट के हवाले से, उसमें सऊदी अरेबिया, UAE, इजराइल, अमेरिका और उसके बाद इंडिया, ये तो चीदा चीदा कंट्रीज है, लेकिन इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। इसका तोड़ मेरे ख्याल में चाइना नहीं निकाल सकेगा। दोस्तों, इंडिया और चाइना एशिया की दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं और दोनों एक दूसरे के राइवल्स भी हैं ग्लोबल एरिना के अंदर। दोनों कंपीट कर रहे हैं कि जो स्पेस अमेरिका छोड़ता जा रहा है उसको भरने के लिए। अभी अभी जो डेवलपमेंट्स रिसेंटली हुई हैं वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, क्योंकि भारत चाहता है कि ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वो बने। चाइना ऑलरेडी इसके अंदर बहुत बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया का है। 30% दुनिया की जो प्रोडक्शन है गाड़ियों की, अकेला चाइना वो करता है। लेकिन अभी हुआ क्या है, चाइना ऑलरेडी पोजीशन में है कि वो भारत की मार्केट को टेक ओवर कर लेता, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। और भारत ने भी एक काम कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री है उसको रोक लगा दिया चाइनीज कंपनीज को। वो क्यों? क्योंकि भारत हमेशा अपनी डोमेस्टिक जो कंपनीज होती हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमेशा ही लगा रहता है, स्पेशली मोदी जी। ये राहुल गांधी नहीं है जो चाइना में आकर बेशर्मी से यहां पर सारी इंडस्ट्री का सौदा कर गया था चाइना के साथ कि हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाए, चाइना की चलती रहे। लैडो ने भी ये कुछ किया था, लेकिन मोदी जी ने आकर एक ही काम किया कि चाइना की इन्वेस्टमेंट को मैं बिना किसी रोक टोक के यहां आने नहीं दूंगा। और उन्होंने जो डोमिनेंस थी चाइनीज बिजनेसेस की भारत के अंदर, उसमें रोक लगा दी। किया क्या भारत ने? पहले काम किया कि हाई टैरिफ लगा दिए चाइनीज स्टील इंपोर्ट के ऊपर, क्योंकि चाइना क्या करता था, अपनी कंपनीज को बोलता था कि भी आपने सिर्फ असेंबली लाइन भारत में लगानी है, एक एक पुर्जा वो चाइना से बन के जाना चाहिए। भारत ने उसके ऊपर 30% टैक्स लगा दिया। ऊपर से एक काम और किया कि जो चाइना की जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है बड़ी बड़ी, BYD, SAIC, कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है भारत में तो ये कंडीशंस आएंगी। और उसमें कंडीशन सबसे बड़ी क्या है, आपको अपनी टेक्नोलॉजी को हमारे जो लोकल पार्टनर्स है उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी। इट वॉज अनएक्सेप्टेबल टू चाइनीज कंपनीज। अब आगे ये जो मेजर्स दिए हैं, इसका मतलब है कि भारत ने दो तीर एक निशानी दो निशान एक तीर से पूरे कर लिए। पहला, हमने अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको स्ट्रेंथन कर दिया, अपने लोकल प्लेयर्स को चाइनीज कंपटीशन से हमने बचा लिया, क्योंकि चाइना अपनी सब्सिडीज देता है अपनी कंपनीज को कि जाइए दूसरे कंट्री में और वहां जाकर आप सब कुछ तहस तहस कर दीजिए, पूरी इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लीजिए।